नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और आप सभी का वॉल वेलकम करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है अन अकेडमी का चैनल है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। ठीक है, सो आप सभी का स्वागत है, फटाफट जुट जाइए। और मैं अरविंद शुक्ला फिर से आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके। और करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स चल रहा है, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं किस एग्जाम्स के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आईबीपीएस के लिए, आईपीएस आरआरबी के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, तो जो भी एग्जाम आपके बनेंगे उन सबको मैं टारगेटेड कर रहा हूं यहाँ पे कि आपके लिए वो सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए जाए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को दें पूर्ण आयाम। ठीक है, सो फटाफट जुड़ते जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। और अगर आप बैंक का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप कहते हैं ना देश की सबसे बड़ी ऐप पे जुड़ सकते हैं, और उस ऐप का नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू आप अपनी तैयारी के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं, और पूरी तैयारी का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप पढ़ पाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। ठीक है, और आपको जैसा मैंने बता दिया कि हाय एम अरविंद शुक्ला, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और इकोनॉमी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फोन में, और आपको सिलेक्ट कर लेना है बैंक एग्जाम, और वहां से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पे जुड़ना चाहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो बहुत आसान है, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं जो अवेलेबल हैं, 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। सो जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो 12 मंथ और 24 मंथ है, जहां पे आपको लीस्ट फीस में ज्यादा से ज्यादा सेवाएं मिलेंगे। 12 मंथ आप देखते हो तो 488 रुपीस पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ता है, और उसके बाद अगर आप मेरा कोड लगाते हैं ARS50 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो फटाफट तैयार हो जाइए, और हम लोग आ रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। फटाफट आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास, और अपनी क्लास है करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मैं आज आ गया हूं, और आपके लिए पूरा जितना भी पैकेज था वो पूरा कंप्लीट है। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट, भारत का कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? फटाफट, भारत का कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? क्या वो मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, या नन ऑफ दीस है? फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट कौन सा राज्य है? ठीक है, सो विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट, भारत का कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और आप देख रहे होंगे तो यहाँ ई कैबिनेट की बैठक चल रही है कहां पे? शिमला। कहां से चल रही है? शिमला से। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, एक शिमला है राजधानी, और दूसरी राजधानी कौन सी है? दूसरी धर्मशाला है। कौन सी है? धर्मशाला है। फटाफट देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर साहब। जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की कार्रवाई को कागज रहित करके यह उपलब्धि राज्य के नाम दर्ज कराई। देश की पहली ई कैबिनेट की बैठक, 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर चर्चा की गई, और ई कैबिनेट एप्लीकेशन के द्वारा इसे संचालित किया गया। और दो बातें जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने पहली बात आपको बता दी है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर, और राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। सो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट भाई, फटाफट जुड़ जाइए, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, सो फटाफट आ जाओ भाई, जितने लोगों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच गया है फटाफट आ जाइए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इन विच स्टेट वॉज द चाह उद्यान धन अवार्ड फेयर ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, तो ये कहा जा रहा है किस राज्य में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किया गया? चाह मेला जो चाह उद्यान या चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला है, ये चाय के बागानों में जो लोग काम करते हैं उनके मजदूरों के लिए कुछ धनराशि की व्यवस्था की गई इसके तहत। ठीक है, सो इन विच स्टेट वॉज द चाह उद्यान अवार्ड फेयर ऑर्गेनाइज्ड? फटाफट बताइए भाई, किस राज्य में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किया गया है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? फटाफट बताइए भाई, असम,
मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो चाय की बागवानी की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में चाय की बागवानी नहीं होती है, गुजरात में भी आप देखोगे नहीं, बिहार में देखोगे नहीं। तो जो आंसर है वो तो ऑप्शन से ही समझ में आ गया कि ये कहाँ की है, असम, अगर फोटो देख के समझे, लेकिन एग्जाम में फोटो नहीं आती तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने असम राज्य के गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। कौन से नंबर का संस्करण है? तीसरे नंबर का। ठीक है, असम सरकार ने चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान से जुड़े लगभग 7.5 लाख लोगों 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। यानी कितने रुपए की? 3,000 रुपए की वित्तीय घोषणा दी जाएगी। ठीक है, सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने अब तक 2 चरणों में 5,000 रुपए चाय बागानों में बैंक खाता धारकों के अकाउंट में जमा करा दी। यानी 2 चरण में 5,000 रुपए जमा कराए जा चुके हैं। ठीक है, और जिसकी शुरुआत 2017-18 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2017-18 में। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, वो ऐसे भी घुमा देगा, पूछेगा कि असम ने चाह बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान से जुड़े 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपए देने की घोषणा की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर लगा दो 2017 और 18। ठीक, या वो इतना लिख दे और सीधे लिख दे कि मुख्यमंत्री कौन है, कहां के मुख्यमंत्री? असम के मुख्यमंत्री। तो आप तुरंत लगा दोगे सर्बानंद सोनोवाल, या राज्यपाल पूछ लेगा तो प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, सो बहुत आसान है। और किसने शुरुआत की या किसने अभी ये सब कार्यक्रम किया, तो आप लगा दोगे आंसर निर्मला सीतारमण। शुरुआत तो मोदी जी के द्वारा हुई थी। तो और असम की राजधानी अगर पूछ ले तो आप तुरंत बता दोगे क्या? गुवाहाटी। ठीक है, डन, आगे बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। विच स्टेट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट। यानी किस राज्य ने 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में एक राज्य ने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही बात करेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो तभी बात हो पाएगी जब वहां पे क्या होंगे, चार्जिंग पॉइंट होंगे। और उसी उपलक्ष्य में 500 चार्जिंग पॉइंट के लिए कौन से राज्य ने घोषणा की है? क्या मध्य प्रदेश है, क्या छत्तीसगढ़ है, क्या गुजरात है, या दिल्ली है? फटाफट आंसर दे दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है अपने यहाँ पे, और इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल, कौन सा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करना शुरू कर दी है। और इन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि अगले साल से सरकारी जो भी वाहन खरीदा जाएगा वो कैसा खरीदा जाएगा, इलेक्ट्रिक खरीदा जाएगा। तो खरीदे तो जाएंगे, लोग खरीद भी लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, व्हीकल चार्जिंग पॉइंट चाहिए। और वो चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए घोषणा कर दी गई है। और वहां के जो बिजली मंत्री हैं, कौन, दिल्ली राज्य के जो वर्तमान बिजली मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, सत्येंद्र जैन, क्या नाम है, सत्येंद्र जैन, ने राज्य के 100 स्थानों पर 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट को लगाने की या स्थापित करने की घोषणा की। और आपको सबको पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है स्विच दिल्ली। क्या नाम है? स्विच दिल्ली। क्या नाम है? स्विच दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, और गवर्नर है, गवर्नर क्या कहेंगे, उपराज्यपाल कहेंगे, क्या कहेंगे, उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम है अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल। ठीक है, सो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इन विच स्टेट स्टार्टेड द सास कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सास अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, मेरी आवाज वगैरह सब साफ आ रही होगी, फटाफट आंसर दीजिए, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सास अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें राज्य का नाम कि किस राज्य में सास SAANS सास अभियान की शुरुआत की गई है, तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने सास जो अभियान उसको शुरुआत की, और इसमें क्या किया है, इन्फेंट मोर्टिलिटी यानी शिशु मृत्यु दर को कम करने की बात की गई है। सांस की बात करें तो सोशल, एस का फुल फॉर्म सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, सांस का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, सोशल, एस का फुल फॉर्म क्या है, सोशल, ए का फुल फॉर्म है अवेयरनेस, फिर ए का फुल फॉर्म है एक्शन, फिर टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखो अभी हाल ही में पंख योजना की शुरुआत भी किसने की थी, पंख योजना की शुरुआत भी किसने की थी,
पंख योजना की शुरुआत भी जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश के ही द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी योजना? पंख योजना। कौन सी योजना? पंख योजना, ठीक है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सांस SAANS सांस सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया, ठीक है। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में लगभग 4000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करना है, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है इनके? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल है। और आनंदी बेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कब से दिया गया है? 1 जुलाई 2020 से। कब से दिया गया है? 1 जुलाई 2020 से, ठीक है। तो सांस कहां पे आया है? मध्य प्रदेश में। इसके लिए इन्फेंट मोर्टिलिटी के लिए, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। दूसरा, पंख योजना आई थी लड़कियों के लिए। किसके लिए? लड़कियों के लिए, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, फटाफट आंसर देना है। विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट फेड फर्स्ट, कौन सा विच बैंक लॉन्च द फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। यानी 18 साल से कम बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू करने वाले बैंक का नाम बताइए, फटाफट बता दीजिए। मैंने फोटो भी लगा दी है फेड फर्स्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है। क्या लिखा है? फेड फर्स्ट योर फर्स्ट बैंकिंग पार्टनर, यानी आपका पहला बैंकिंग पार्टनर। और इसमें बहुत सारी सेवाएं भी दी गई हैं। क्या दी गई हैं? सेवाएं भी दी गई हैं। और क्या लिखा है इसमें इन्होंने? मेक योर फर्स्ट बैंक अकाउंट स्पेशल विद फेडरल बैंक्स फेड फर्स्ट एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट Crafted to your first step where you can save and spend smartly. यानी आप अपना पैसा भी सेव कर सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं स्मार्टली, ठीक है, ठीक है। सो फटाफट इसका आंसर आपने अभी देख लिया। इसका आंसर क्या है? फेडरल बैंक। कौन सा बैंक है? सो हाल ही में फेडरल बैंक ने, कौन से बैंक ने? फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट नाम का सेविंग अकाउंट दिया है जो 18 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं, 80 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये अकाउंट दिया गया है, ठीक है। तो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है, ठीक है। फेड फर्स्ट किसका है? फेडरल बैंक का, ठीक है। फेड फर्स्ट बचत खाता में कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड के माध्यम से दैनिक 2500 रुपए तक की नगद निकासी और 10000 रुपए तक की POS की सुविधा है, ठीक है। तो साफ साफ कह रहा है कि 2500 रुपए तक आप निकाल सकते हैं। कितने रुपए निकाल सकते हैं? 2500। और 10000 रुपए तक POS की सुविधा है। 10000 रुपए तक POS का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, यानी आप शॉपिंग करके 10000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फेडरल बैंक के जो CEO और MD है उनका नाम है श्याम श्रीनिवास। क्या नाम है? श्याम श्रीनिवास है। और फेडरल बैंक का मुख्यालय कहां पे? केरल में है। कहां पे? केरल में। कहां से ऑपरेट कर रहा है फेडरल बैंक? केरल से, ठीक है। डन, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किताब लॉन्च हुई है, ठीक है। हाल ही में किताब लॉन्च हुई है और किस किताब का नाम है? ब्यूटीफुल थिंग्स। क्या नाम है? ब्यूटीफुल थिंग्स। सो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक ब्यूटीफुल थिंग्स? लॉन्च पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दे दीजिए। जो ब्यूटीफुल थिंग्स एक किताब आई है इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि किताब हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। सो फटाफट बता दीजिए कि ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? हेनरी मेनन है, या जैक मा है, या नेल्सन विटर है, या हंटर बिडेन है, ठीक है। हंटर बिडेन कौन है? सुपुत्र है जो बिडेन के, ठीक है, जो बाइडेन के। तो अगर हम बात करें, आंसर है इसका हंटर बिडेन। किसने लिखी है ये? हंटर बिडेन साहब ने लिखी है किताब। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने ब्यूटीफुल थिंग्स, कौन सी किताब लिखी है? ब्यूटीफुल थिंग्स। कौन सी किताब लिखी है? ब्यूटीफुल थिंग्स नाम की अपनी नई पुस्तक को प्रकाशित किया है, ठीक है। क्या किया है? प्रकाशित किया है, ठीक। डन डन, ओके। नाउ आगे बढ़े अगला क्वेश्चन नंबर सात। दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head of Southern Air Command? यानी दक्षिणी कमांड का जो हेड है वो किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को किया गया है, एयर मार्शल सिनोद खन्ना को किया गया है, एयर मार्शल धनंजय यादव को किया गया, या नन ऑफ दीज? फटाफट आंसर दे दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। किसको किया गया है? एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को क्या किया गया है?
नियुक्त किया गया है, ठीक है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को दक्षिणी वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण वायु कमान के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण करने पर एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह वर्ष 1982 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में के फ्लाइंग ब्रांच में शामिल हुए थे, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के मध्य वायु कमान के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। यानी अभी ये जो प्रयागराज में जो सेंट्रल एयर कमान है उसके प्रमुख हैं, और अब जा रहे हैं दक्षिण, दक्षिण वायु कमान के प्रमुख बनाए जा रहे हैं एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। पेपल अनाउंस द क्लोजर ऑफ इट्स डोमेस्टिक पेमेंट बिजनेस इन विच कंट्री फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से पेपल ने किस देश में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। कहां पे की है? इंडिया, भारत में उसने 1 अप्रैल से अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है। तो आंसर सामने है, भारत में 1 अप्रैल से पेपल ने अपने घरेलू भुगतान कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा कर दी है। अगर हम पेपल की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और मुख्यालय कहां पे? कैलिफोर्निया में है। और इसके जो सीईओ हैं वो डैन सुलमैन। कौन है? डैन सुलमैन। कौन है? डैन सुलमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वाला देश कौन सा बन गया है? यानी एक देश ऐसा है जिसने एक द्वीप बनाया है, द्वीप पे वो ऊर्जा के लिए क्या कर रहा है? प्लांट लगा रहा है, और उस प्लांट के लिए उसका नाम चर्चा में आ गया है। सो फटाफट बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जो द्वीप वाला देश बन गया है, किस मामले में? ऊर्जा में। तो विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, ठीक है। तो जो फर्स्ट एनर्जी आइलैंड है वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है? डेनमार्क में। कहां पे स्थापित किया जा रहा है? डेनमार्क में। कहां पे स्थापित किया जा रहा है? डेनमार्क। तो डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वाला देश बन गया है, ठीक है। डेनमार्क में उत्तरी सागर में यूरोपीय देशों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ग्रीन हाउस का उत्पादन और भंडारण शुरू किया है, ठीक है। पर्याप्त ग्रीन हाउस का उत्पादन और भंडारण शुरू किया है, जो कि पूरी तरह से एक विशाल का द्वीप होगा, जो कि फुटबॉल के 18 स्टेडियम के बराबर है, ठीक है। 18 पिचों के बराबर है, यानी जो ग्राउंड होता है फुटबॉल का उसके 18 के बराबर है। यह डेनिश इतिहास में सबसे बड़ी निर्माण परियोजना है। कैसी योजना है? बड़ी परियोजना है, और इसमें 34 बिलियन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 5,693 करोड़ रुपए के बकाया वाले विलफुल डिफॉल्टर की सूची में कौन सी फर्म शीर्ष पर है? विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। जब हम विलफुल डिफॉल्टर की बात करते हैं तो जो लोग बैंक का पैसा जानबूझकर हाजमोला करते हैं उन्हें कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर। देखो, डिफॉल्टर का मतलब होता है आप पर्सन नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ बैंक, बोरोड अमाउंट ऑफ द बैंक, यानी बैंक से उधार लिए गए पैसे को जो भुगतान नहीं कर पाता उसे डिफॉल्टर कहते हैं, ठीक है। और बिलफुल का मतलब होता है कि जिनकी रीपेइंग कैपेसिटी है पर वो पे नहीं कर रहे, तो उन्हें कहा जाता है बिलफुल डिफॉल्टर। क्या कहा जाता है? बिलफुल डिफॉल्टर। क्या कहा जाता है? बिलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। तो गीतांजलि ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। गीतांजलि जो जेम्स है मेहुल चौकसी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसको शीर्ष स्थान पर रखा गया है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 5,693 करोड़ रुपए बकाया वाले बिलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में किस फर्म को? गीतांजलि जेम्स को नंबर 1 पे रखा गया है। किसको रखा गया? गीतांजलि जेम्स को, ठीक है। तो आरबीआई द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 100 बिलफुल डिफॉल्टरों की कुल वित्त वर्ष 2018 की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में 5.34% बढ़कर 84,642 करोड़ रुपए हो गया है। और शीर्ष 10 डिफॉल्टर्स में गीतांजलि जेम्स, विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी और किंगफिशर एयरलाइंस का 32% हिस्सा है, यानी 32% इन्हीं का कार्यक्रम है। और पंजाब नेशनल बैंक ने मार्च 2020 तक गैर निष्पादित अस्थियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के 4,644 करोड़ रुपए के साथ गीतांजलि जेम्स के लिए सबसे अधिक प्रदर्शन किया, यानी सबसे ज्यादा
जो कार्यक्रम गया है वो गीतांजलि के लिए गया है। किसके लिए गया है? गीतांजलि जेम्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन इस सेशन में रखे गए हैं, लो लेवल भी, मीडियम लेवल भी और हाई लेवल भी। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन की भाषा को देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच वॉट इज द नेम ऑफ द मॉडर्न रेडियो सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ओवर 1000 करोड़ फॉर इट्स प्रोक्यूरमेंट रिसेंटली। कुल मिला के सिंपल से पॉइंट समझ लो, DRDO द्वारा विकसित आधुनिक रेडियो प्रणाली का नाम क्या है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में इसकी खरीद के लिए 1000 करोड़ से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी वो सिस्टम चाहिए, आधुनिक रेडियो सिस्टम का नाम पूछा है जो अभी DRDO ने क्या किया, डेवलप किया है, तो उसका नाम है सॉफ्टवेयर डिफाइंड। क्या नाम है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल। क्या नाम है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल, यानी अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो SDR। क्या नाम है? SDRTAC। क्या नाम है? SDRTAC। और मैंने आपको फोटो भी दिखा दी, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये अत्याधुनिक अत्याधुनिक रेडियो प्रणाली है जिसके लिए 1000 करोड़ का अनुबंध किया है DRDO के साथ। ठीक है, रक्षा मंत्रालय और सरकार के स्वामित्व वाले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने DRDO द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल यानी SDRTAC की खरीद के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक 4 चैनल मल्टी लोड मल्टी बैंड 19 रैंक माउंटेबल सिप बोर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है। ठीक है, बहुत टेक्निकल हो गया ये। SDR टैग जहाज से जहाज, जहाज से किनारे और जहाज से हवा, आवाज और डेटा संचार के लिए अभी प्रेरित है। यानी जहाज से लेके वो हर जगह पहुंचा सकता है, तीनों जगह पे। ठीक है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को कहां लागू करेगा जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी के कोर द्वारा उत्पन्न गर्मी का उपयोग करेगा। अब समझ लो इसको इंग्लिश में भी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC विल इंप्लीमेंट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट यूटी दैट विल यूज द हीट जनरेटेड बाय द अर्थ कोर टू जनरेट क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे ये बात की गई है कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन क्या करेगा कि पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, क्या है जो गर्मी है पृथ्वी के अंदर, उसकी गर्मी से क्या पैदा करेगा, लाइट यानी एनर्जी पैदा करेगा। ठीक है, और ऐसा करने के लिए उसने कहां पे ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आंसर होगा लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख में क्या किया जा रहा है? ONGC जो जियोथर्मल फील्ड डेवलप कर रही है लद्दाख में। कौन सा कर रही है? जो जियोथर्मल। ठीक है, तो जियोथर्मल को हिंदी में कहा जाता है भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को कहां पे कर रही है डेवलप? कहां पे कर रही है? लद्दाख में। कहां पे कर रही है? लद्दाख में कर रही है। ठीक है, देखिए ONGC लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को लागू करेगा जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी के कोर द्वारा उत्पन्न गर्मी का उपयोग करेगा। भूतापीय संसाधन विकास लद्दाख में खेती में क्रांति ला सकता है जो अब तक यूटी के बाहर से ताजी सब्जियां फलों की आपूर्ति के लिए पूरी तरह निर्भर है। यानी जो भी सब्जी और फल आते हैं वो कहां से आते हैं? यूटी यूनियन टेरिटरीज के बाहर से आते हैं लद्दाख में, तो अब लद्दाख में खुद वहां पे उत्पादन करने की बात चल रही है। अगर आप थोड़ा बहुत फोटो में समझ पा रहे हो तो आप देखोगे, मैं और अच्छी तरह समझा देता हूं। यहाँ पे ये फोटो आपको दिखाई दे रही है सबको, देखिए ये है पृथ्वी के नीचे का पार्ट। ये पार्ट कौन सा है? पृथ्वी के नीचे का। ठीक है, ठीक, ये पृथ्वी के नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है? हॉट वाटर यानी गर्म पानी। क्या है? गर्म पानी है। ठीक है, और गर्म पानी से हमेशा क्या निकलती है? भाप निकलती है। तो इसकी स्ट्रीम यानी धारा को क्या किया जाएगा? इसकी स्ट्रीम धारा को किस पे? टरबाइन पे। किस पे? टरबाइन पे डाला जाएगा जिससे जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर क्या करेगा इसको लाइट में बदल देगा। ठीक, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चली जाएगी? खंभों में, और खंभों से चली जाएगी शहर में। ठीक, अब यहां से जो गर्म पानी है वो गर्म पानी एक पाइप के थ्रू कहाँ जाता है? कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर उसे क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। और फिर उस पानी को कहाँ पे इंजेक्ट कर देता है? जमीन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो ये पांच
स्टेप का पूरा सिस्टम होता है जहां पे जियोथर्मल, कौन सा, जियोथर्मल पावर प्लांट ऐसे काम करता है, जियोथर्मल पावर प्लांट ऐसे काम करता है। और इसको स्टार्ट करने जा रहा है ONGC, कहां पे करने जा रहा है, लद्दाख में, कहां पे करने जा रहा है, लद्दाख में। और ये भारत का पहला जियोथर्मल, क्या पहला, जियो थर्मल थर्मल पावर प्लांट होगा, क्या होगा, पावर प्लांट होगा, ठीक है, जियो थर्मल पावर प्लांट होगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस भारतीय गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में अपने 98 टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले छठवें भारतीय गेंदबाज के रूप में अपना नाम हासिल कर लिया है। सो विच इंडियन बॉलर हैज रिसेंटली बिकम द सिक्स्थ इंडियन बॉलर टू टेक 300 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट इन हिज 98th टेस्ट। उसने अपने 98 टेस्ट मैच में क्या किया है, 300 विकेट, कितने विकेट ले लिए, 300 विकेट लेने वाला छठवें नंबर का गेंदबाज बन गया। और उनका नाम है ईशांत शर्मा, क्या नाम है, ईशांत शर्मा ने हाल ही में अपने 98th टेस्ट मैच में 300 विकेट पूरे किए हैं, कितने विकेट, 300 विकेट पूरे किए हैं, ठीक है, किसने, ईशांत शर्मा ने, किसने किए हैं, ईशांत शर्मा इज द राइट आंसर, आंसर क्या होगा, राइट, ईशांत शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ अपने 98 टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इसके पहले अनिल कुंबले 619, कपिल देव 434, रविचंद्र अश्विन 370, हरभजन 417 और जहीर खान 311, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये वो छह लोग हैं जिन्होंने 300 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में, ठीक। आगे, हाल ही में रंग विदूषक के संस्थापक और थिएटर निर्देशक पद्मश्री बंसी कौल का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, फटाफट बता दीजिए। रिसेंटली फाउंडर ऑफ रेंज, रंग विदूषक एंड थिएटर डायरेक्टर पद्मश्री बंसी कौल पास्ट अबे, ठीक है, बंसी कौल हाल ही में, धर्मेंद्र सिंह ए आंसर दिया है 2010। वेलकम धर्मेंद्र, कहां थे भाई, मैं ही 2 दिन नहीं था, सॉरी, थोड़ी सी पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। सो रिसेंटली फाउंडर ऑफ रंग विदूषक कौन है, 2010 में उनको मिला है, 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला है, इन्होंने आंसर दे दिया है ए, धर्मेंद्र सर ने आंसर ए दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, और इसका आंसर है ई, क्या है, 2014, क्या है आंसर, 2014, ठीक है। तो जो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो कब मिला है, 2014 में मिला है, किसको मिला है, रंग विदूषक के संस्थापक और निर्देशक बंसी कौल, किसको मिला है, बंसी कौल, इन्हें पद्मश्री के नाम से जोड़ा जाता है, पद्मश्री बंसी कौल को 2014 में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है। और 2016-17 में इन्हें किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया, कालीदास सम्मान से, किससे किया गया है, कालीदास सम्मान, ये दोनों लिख लो। देखो क्वेश्चन सिंपल था, अगर पूछा जाता कि हाल ही में बंसी कौल जी का निधन हो गया और इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो वहां पे पद्मश्री आंसर सही लग जाता, ऐसे पूछ लेता, या वो कालिदास सम्मान भी पूछ सकता था, ठीक है। लेकिन उसने क्या घुमा दिया क्वेश्चन की 2014 में, क्या घुमाया क्वेश्चन की, दो कब मिला, तो कब के लिए ईयर याद करना छोटा थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो यहाँ पे 2014 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की थी और उसके नॉमिनेशन लिए थे, क्या लिए थे, नॉमिनेशन लिए थे, और ये नॉमिनेशन लिए थे जनवरी, कब लिए थे, जनवरी 2021 के लिए, ठीक है। तो आपने आंसर दे दिया है ए, ऋषभ पंत इज द राइट आंसर, धर्मेंद्र सर का आंसर बिल्कुल सही है, इन्होंने आंसर ऋषभ पंत दे दिया है, ठीक। ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन जो आम पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन में इसका एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा, ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 जीत हासिल की है, ठीक है। ये जनवरी मंथ के लिए लिया गया था, याद रखिएगा, जनवरी के लिए लिया गया था, ठीक है। और पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है उन्हें, जिसमें उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में 89 रन बनाए थे। यहां तक पॉइंट नंबर एक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को भी ये दिया जा रहा है और महिलाओं में जिसको मिला वो है सबनिम इस्माइल, किसको मिला है, सबनिम इस्माइल, ये भी लिख लो भाई। महिलाओं में आईसीसी
प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? ये मिला है साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की कहां की, साउथ अफ्रीका की साहब निम इस्माइल। ठीक है, ठीक, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, आईसीसी के चेयरपर्सन इस समय कौन है? ग्रेग बाकले है। कौन है? ग्रेग बाकले है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी है, और हेडक्वार्टर कहां पे? दुबई यूएई में है। और कब स्थापित हुआ था? 15 जून 1909, यानी 111 साल हो गए हैं। धर्मेंद्र सिंह ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है भाई, साउथ अफ्रीका कलर पहना हुआ है, देखो साउथ अफ्रीका कलर पहना हुआ है। ठीक है, नॉमिनेशन हुआ था 3 लोगों का। उस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का नाम बताइए जिसने 2021 की अवधि के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पुरस्कार में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर पदक जीता है। कहते हैं क्रिकेट के सम्मान में 2 अवार्ड दिए गए हैं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने फोटो भी लगाई है। किसकी फोटो लगाई है? टाइम्स ऑफ इंडिया की। सर जो रूट पॉल स्टर्लिंग को भी मिला है? नो, जो रूट और पॉल स्टर्लिंग ये नॉमिनेट हुए थे, 3 लोग नॉमिनेट हुए थे, ऋषभ पंत भी नॉमिनेट हुए थे और स्टीव स्मिथ, बिल्कुल सही आंसर। तो ये 3 लोगों में किसने जीत लिया है अवार्ड? ये 3 लोग, एक जो स्टर्लिंग साहब थे ये नॉमिनेट हुए थे आयरलैंड से, जो रूट जो कप्तान है इंग्लैंड के ये इंग्लैंड की तरफ से हुए थे, और भारत की तरफ से कौन हुए थे? ऋषभ पंत। तो इन तीनों में जो जीता है वो ऋषभ पंत ने जीत लिया है। ठीक है, सो नेम द फॉर्मर, आंसर आपका सही है स्टीव स्मिथ, बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने ही जीता है, स्टीव स्मिथ ने ही जीता है। स्टीव स्मिथ को तीसरा एलन बॉर्डर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब बगल में एक महिला की फोटो, वो भी समझ लो, उनका नाम है बेथ मूनी। क्या नाम है? बेथ मूनी। और बेथ मूनी ने अपना पहला बेंडला क्लार्क पुरस्कार जीता है। कौन सा जीता है? बेंडला क्लार्क पुरस्कार जीता है। और ये दोनों ही क्रिकेट पुरस्कार शीर्ष पुरस्कार हैं जो ऑस्ट्रेलिया में दिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये शीर्ष पुरस्कार हैं, ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष पुरस्कार हैं। ठीक है, तो महिलाओं में बेथ मूनी को दिया गया है पहला बेंडला क्लार्क पुरस्कार, और ऑस्ट्रेलिया में एलन बॉर्डर पुरस्कार तीसरी बार जीतने वाले पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ हैं। कौन है? स्टीव स्मिथ हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र सर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गैस, तेल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में लगभग 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 4 प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड रुपीज 4700 करोड़ इन गैस, ऑयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन विच स्टेट? असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और बिहार। स्टीव का ये तीसरा है। यस बिल्कुल सही है धर्मेंद्र सर, स्टीव का ये तीसरा है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, और इन्होंने 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, 4700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। बस उस राज्य का नाम बता दीजिए जिस राज्य के लिए ये उद्घाटन किया गया है। फटाफट आप आंसर दे दीजिए, बस मजा आ जाएगा। फटाफट आंसर दे दीजिए तो मजा आ जाएगा। ठीक, असम है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है या बिहार है? ठीक, तो इस समय अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने दौरा किया था, जिस दिन उत्तराखंड में क्या आया था, जो ग्लेशियर बस्ट हुआ था, उसी दिन इन्होंने दौरा किया था, और आंसर आपने दे दिया वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सही आंसर है, वेस्ट बंगाल में ही आपका आंसर सही है। तो पश्चिम बंगाल के हल्दिया, कहां पे? हल्दिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 4700 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की। कितनी परियोजनाएं थी? 4। ठीक है, इस परियोजनाओं में सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शामिल है। यानी ये जो 4 बड़ी कंपनियां हैं ये डेवलपमेंट का काम करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। 50वें रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय फिल्म को प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड दिया गया? यानी भारत की कौन सी पिक्चर है जिसने प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड जीता है? मैंने फोटो भी लगा दी है टाइगर अवार्ड की। क्या लगा दी है? फोटो भी लगा दी है। तो विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द कोवेटेड टाइगर अवार्ड एट द 50th रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021? फटाफट आंसर दे दीजिए, है ना? कूजंगल, कपिला, ओरू पक्का कैथई, कोब्जी पोरू,
या विसरना, क्या है, विसारानी, विसारानाई, विसारानाई है या कोजंगल है या कैपेला है या ओरुपक्का कैथाई है या कोपीजी पोपोरा है। फटाफट बताइए, फटाफट नाम बताइए, इसमें से कौन सा होगा। बोलना ही बहुत टफ है क्योंकि ये साउथ इंडियन है। और इस बार जो अवार्ड जीता है बिल्कुल सही नहीं है। इसका आंसर है कोजंगल। क्या नाम है? कोजंगल है। ये इसका मतलब होता है कंकड़। क्या होता है? कंकड़। क्या होता है? कंकड़। कोजंगल का मतलब होता है हिंदी में कंकड़। और ये तमिल मूवी है। कौन सी मूवी है? तमिल मूवी है, ठीक है। और इसने ये अवार्ड जीता है, टाइगर अवार्ड। कौन सा अवार्ड जीता है? टाइगर अवार्ड। कौन सा? कोजी पोरू। कोजी पोरू नहीं है, ठीक है, कोजंगल सही आंसर है धर्मेंद्र। और सुधाकर द्विवेदी ने भी आंसर दिया था वेस्ट बंगाल। वेलकम सुधाकर सर, आपका भी स्वागत है, ठीक है। कुजंगल कंकड़ 50वीं रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीतने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है। कौन सी? पहली तमिल फिल्म, ठीक है। इस फिल्म का निर्देशन नवोदित निर्देशक विनोद राज पीएस ने किया है और इसमें चार प्रमुख भूमिका निभाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन कुरेतानियान और चेला पंडी हैं, ठीक है। फटाफट आंसर, बिल्कुल सही पहला आंसर आया है वो है कुजंगल, ठीक है। कुजंगल आंसर है, थोड़ा टफ है बोलने में लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होगे सर आपने क्वेश्चन नहीं पैराग्राफ दे दिया। क्या दे दिया? क्वेश्चन नहीं, आपने पैराग्राफ दे दिया है। क्या दे दिया है? पैराग्राफ दे दिया है, ठीक है। आपका सोचना यही होगा कि सर आपने क्वेश्चन नहीं पैराग्राफ दे दिया है, लेकिन पैराग्राफ नहीं, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, चूंकि थोड़ा सा फुल फॉर्म का यूज हुआ है जिसकी वजह से आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है। देखिए कैसे, DPIIT, एक लाइन तो यही खत्म हो जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हालिया आंकड़ों के अनुसार चार और राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों को पूरा किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा किया है, जैसा कि वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है। इनमें से वह कौन सा राज्य नहीं है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुधार का काम पूरा कर लिया है? कौन सा नहीं है? क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। सो एज पर द रीसेंट, अब तक टोटल 12 राज्य, कौन से? अब तक टोटल इन चारों राज्यों को मिला लें तो 12 राज्य ने ईज ऑफ डूइंग, 12 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग का जो टारगेट दिया गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का टारगेट दिया था, वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा, 5,000 करोड़ से ज्यादा, बिल्कुल सही है, नाइट बोट आ गए हैं। और नाइट बोट ने आते ही आते जबरदस्त बल्लेबाजी की और आंसर दे दिया है बिहार। क्या आंसर दे दिया है? बिहार। क्या आंसर दे दिया है? बिहार। सो बिहार इज द राइट आंसर। बिहार ने अभी तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को पूरा नहीं कर पाया है। और हाल ही में जो चार राज्य जिनने पूरा किया है, असम है, नंबर दो हरियाणा है, नंबर तीन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और नंबर चार कौन सा है? पंजाब। और इसके पहले 8 राज्य और कर चुके थे, तो टोटल कितने राज्यों ने कर लिया है? 12 राज्यों ने। और जो जिन राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कंप्लीट किया है उन राज्यों को 5,000 करोड़ मार्केट से उठाने की अनुमति देता है वित्त मंत्रालय। इसे देखते हैं, इसको थोड़ा सा और कंक्लूड करके देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हालिया आंकड़ों के अनुसार चार राज्य, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब तक कुल 12 राज्य ने ऐसा पूरा किया है, चार ऊपर हो गए, पांचवा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। तो टोटल हाउ मेनी स्टेट्स कंप्लीटेड? 12 स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 12 राज्यों ने कंप्लीट किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये राज्य खुले बाजार उधार के माध्यम से 5,034 करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र बन गए हैं। यानी अगर ये राज्य चाहें तो 5,034 करोड़ रुपए मार्केट से उठा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, जबरदस्त भाई। आप लोग गायब हो गए और मेरे गायब होने की वजह से, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट और मुझे देखना ही जाना पड़ा क्योंकि मैं 5-6 दिन से पिताजी की तबीयत खराब थी, मैं नहीं जा पा रहा था आपकी क्लास की वजह से, तो आखिरकार मुझे जाना पड़ा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में राजस्थान में बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20, देखो याद रख लो, या तो वो युद्ध अभ्यास का नाम पूछ लेगा सीधे सीधे कि भारत में बीकानेर के महाजन फायर फील्ड रेंज में ये किन किन देशों के बीच में अभ्यास हुआ, तो आप युद्ध अभ्यास का नाम पूछ लेगा कि अमेरिका और भारत के बीच में उसका नाम क्या है, तो युद्ध अभ्यास 20 के किस संस्करण की शुरुआत की, मैंने आपको घुमा के पूछा है किस संस्करण की शुरुआत की। आदित्य भी आ गए और इन्होंने आते ही आते जबरदस्त
बल्लेबाजी की है और वो है आंसर 16, 16th. कौन सा संस्करण है? 16th है इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, 8 फरवरी से लेके 21 फरवरी 2021 तक चलेगा. कहां पे चलेगा? बीकानेर. कहां पे चलेगा? बीकानेर में चलेगा. और बीकानेर की कौन सी फील्ड में? महाजन फील्ड में. कहां पे चलेगा? महाजन फील्ड में चलेगा. और कौन कौन से देश हैं? यूएसए एंड इंडिया. कौन करेगा? यूएसए और इंडिया करेगा, ठीक है. सो ये किस नंबर का है? 16th नंबर का है. सो विच एडिशन 16th ऑफ द इंडियन यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 हैज रिसेंटली कॉमेंस इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ठीक है. सो अगर हम बात करें तो इसका मैंने सब कुछ आपको बता दिया है. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. क्वेश्चन थोड़े से बड़े लग रहे होंगे क्योंकि ये न्यूज़पेपर से सीधे उठाए गए हैं. नाइट बोट सर ने आंसर सही दिया था और डिलीट कर दिया, मैसेज रिट्रैक्टेड कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, ये वेलकम था आपका, बहुत बढ़िया आंसर दिया था. क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने असम के किस जिले में असोम माला कार्यक्रम शुरू किया जो राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा और असम की आर्थिक प्रगति में योगदान देगा और कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, ठीक है. सो इंग्लिश में भी समझ लेते हैं. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द असोम माला प्रोग्राम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम विच will boost the state's road infrastructure and contribute to Assam's economic progress and improve connectivity. So, फटाफट आंसर दे दीजिए. तीनसुखिया है, तेजपुर है, धुबरी है या सोनितपुर है या चचर है. ये 5 जिलों के नाम है. तो यही पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले से इसकी घोषणा की है. अभी हाल ही में दौरे पर थे. आंसर डी दिया है सोनितपुर. आदित्य ने आंसर डी दे दिया है सोनितपुर और ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है. आज आदित्य की एक्यूरेसी 100% जा रही है, ठीक है. कैसी हो रही है एक्यूरेसी? 100% एक्यूरेसी है, ठीक है. तो अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के ढोकिया जुली में ओसोम माला, ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सड़क और संरचना को बढ़ावा देना और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है, ठीक है. तो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है. यहीं पे असम से एक और मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं. असम के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं. सबसे पहले मानस वाइल्ड सेंचुरी. कौन सी है? मानस वाइल्ड सेंचुरी, ठीक है. फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क. अगर आप देख पा रहे हो तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये है और यहाँ पे गेंडा हाथी, जो गेंडा हाथी होता है, गेंडा हाथी की फोटो लगी है, ठीक है. ये गेंडा हाथियों के लिए फेमस है. कौन सा? काजीरंगा. गेंडा हाथियों के लिए फेमस है, ठीक है. फिर इसके बाद आता है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क. क्या है? दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क. और ये देखिए यहाँ पे आता है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और यहाँ पे घोड़ा बना हुआ है, यानी यहाँ पे जो जंगली घोड़े हैं उनकी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. फिर आपने सुना होगा ऑरेंज नेशनल पार्क. क्या सुना होगा? ऑरेंज नेशनल पार्क भी गेंडा हाथी के लिए ही फेमस है. किसके लिए फेमस है? गेंडा हाथी के लिए ही फेमस है. और अगर बात करें तो असम की जो राजधानी है वो कौन सी है? गुवाहाटी है. क्या है? गुवाहाटी है. और मैंने आपको बता दिया है कि राज्यपाल का नाम, किसका नाम? राज्यपाल का नाम क्या है? प्रोफेसर जगदीश बख्शी साहब. क्या है? जगदीश मुखी है, ठीक है. जगदीश मुखी है, ठीक है, ठीक है. आगे बढ़े तो ये आपको मैंने नेशनल पार्क बता दिए हैं जो आप देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, डन. और एक और होता है नामेरी नेशनल पार्क. भी कहां पे पाया जाता है? नामेरी भी असम में ही पाया जाता है, ठीक है. अगला क्वेश्चन नंबर 22. चूंकि फोटो से आप समझ जाएंगे, मैंने फोटो लगा दिए, लेकिन फोटो से इसलिए लगा दी कि आप एक बार फोटो देख लोगे तो जिंदगी भर भूलोगे नहीं. अख्तर अली जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? अख्तर अली Who passed away recently was the legend of which sports? तो अगर हम बात करें, अख्तर अली ये टेनिस प्लेयर थे. क्या थे? टेनिस प्लेयर थे. फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है. और अगर बात करें तो जो डेविस कप होता है, अगर आपने देखा होगा डेविस कप,
डेविस कप में इंडिया टीम के कोच रहते थे, क्या बने थे ये, कोच बने थे, ठीक है। एक्स्ट्रा, डेविस कप के पूर्व कोच और भारतीय टेनिस के महान हस्ती अख्तर अली का हाल ही में निधन हो गया। और आपको बता दें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है इस समय, उसमें भी भारत की जो सिंगल प्रतिभा थी, जो सिंगल मेंस सिंगल खेल रहे थे, वो भी बाहर हो गए हैं कल, ठीक है। तो भारत के वर्तमान डेविस कप कोच जीसन अली के पिता अख्तर 83 वर्ष के थे और उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। सो अख्तर अली, जिनका हाल ही में सुधाकर द्विवेदी सर आ गए हैं, ही वॉज कोच। यस आदित्य, यू आर राइट, ही वॉज कोच। और सुधाकर सर ने भी कुछ लिखा था लेकिन डिलीट कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, डिलीट क्यों कर देते हैं भाई, उससे मुझे भी पता चलेगा कि कहां पे और रिक्वायरमेंट है, कैसे और चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23। और वहां पे पहले ही एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे जलवायु दूत और समाधान पर अपने विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है, किसे जलवायु दूत और समाधान पर विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे जलवायु अभियान के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में सेवा कर रहे थे। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंटेड हुम एज हिज स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट एम्बिशन एंड सॉल्यूशंस। प्रायर टू दिस ही वॉज सर्विंग एज द यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो सुसान ब्राउन है, डायना टेलर हैं, बर्नी सैंडर्स हैं, या माइकल ब्लूमबर्ग हैं, या लिवाई सैंडर्स हैं। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने फोटो लगा रखी है, अगर आप थोड़ा भी देख पा रहे हो तो माइकल ब्लूमबर्ग, कौन है, माइकल ब्लूमबर्ग को इन्होंने जलवायु दूत के रूप में नियुक्त किया है। किसके रूप में नियुक्त किया है, माइकल ब्लूमबर्ग को इन्होंने जलवायु दूत के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर विशेष दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से नियुक्त किया है। ब्लूमबर्ग न्यूज की मूल कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक और मालिक हैं। पहले मार्च 2018 और 2019 के बीच जलवायु कार्रवाई के लिए यूनाइटेड नेशंस विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी ये पहले भी विशेष दूत के रूप में नियुक्त हो चुके हैं माइकल ब्लूमबर्ग, और ये चूंकि अपना काम सही से कर पाए तो आंसर डी है, इनको दोबारा बनाया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। रॉबर्टो एजेबेदो के बाद विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been chosen as the next Director General of the World Trade Organization by succeeding Roberto Azevedo? ठीक है, तो हाल ही में जो World Trade Organization के चीफ थे उनका नाम था Roberto Azevedo और उनको हटा दिया गया, यानी उनका अब क्या हुआ है, काम खत्म हो गया और उनकी जगह पे नया व्यक्ति को चुना गया, और उनकी फोटो मैंने आपको लगा दी है, ठीक है। और उनकी फोटो देख के आपको बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है, यू म्यू ही, उजो दिमा इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला, इकेम्बा इवेला, चार्ल्स चुकुवामा, ठीक है। तो फटाफट ये पांच नाम आपको दिए, बहुत खतरनाक नाम है, ऐसे नाम तो अगर रख दिया जाए हम लोगों के नाम कितना अच्छा रखा जाता है, राजू, गणेश, सीता, गोपी, और गोपी के आगे लगा दिया बहू, ठीक है। तो समझ रहे बात आप, तो अगर बात करें ऐसे नाम कितने आसान है, लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका की तरफ जाते हैं यानी अफ्रीकन महाद्वीप की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसे ही नाम मिलेंगे। तो जिनको चुना गया वो है नगोजी ओकोंजो इवेला को, ठीक है। ये नाइजीरियाई मूल की हैं, कहां के, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। वे पहली महिला और साथ ही संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी होंगी। वे नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री ओकोंजो इवेला रॉबर्टो अजेबेदो की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 में अपने पद से हट गए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, आगे, ठीक है, नाइजीरिया, आदित्य बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
जो करण बाजवा की जगह लेंगे। यानी गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए किसको नियुक्त किया है, जो करण बाजवा की जगह लेंगे। फटाफट आंसर दीजिए, राजेश जिजूरीकर, विक्रम सिंह बेदी, पवन गोयनका, अनीस शाह या सीपी गुरनान। फटाफट आंसर दे दीजिए, फोटो मैंने लगा दी है। तो आंसर विक्रम सिंह बेदी। क्या होगा आंसर? विक्रम सिंह बेदी होगा। क्या होगा? विक्रम सिंह बेदी। क्या होगा आंसर? विक्रम सिंह बेदी। बी इज द राइट आंसर आदित्य, बी इज द राइट आंसर, यू आर राइट। तो विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस का प्रबंध निदेशक बनाया है, ठीक है। तो अगर बात करें गूगल क्लाउड ने अपने इंडिया बिजनेस के लिए विक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह करण बाजवा की जगह लेंगे, जिन्हें गूगल क्लाउड में एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में पदवी दी गई है। गूगल में विक्रम बेदी इस गतिशील बाजार में गूगल क्लाउड की बिक्री और संचालन टीमों का नेतृत्व करने के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है, वहां के राष्ट्रपति मून जे इन इन ने नेतृत्व में घोषणा की है कि दक्षिण कोरिया सरकार 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। उसी के संदर्भ में वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? अगर आज देखो इन्होंने क्या कहा है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया ने, कि 2030 तक वो लार्जेस्ट, 2030 तक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड पावर प्लांट लगा देगा, ठीक है, 2030 तक। तो 2030 तक ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लगा देगा। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अभी प्रेजेंट में, कहां पे प्रेजेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑफशोर विंड पावर प्लांट है वो कहां लगा है, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या आंसर ब्रिटेन होगा या जापान होगा या यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका होगा या स्पेन होगा या चाइना होगा? फटाफट आंसर देना है। तो अभी जो सबसे बड़ा जो ऑफशोर लगा हुआ है विंड पावर, वो लगा है ब्रिटेन में। कहां पे लगा हुआ है? ब्रिटेन में। मैंने फोटो भी लगाई है, उसका नाम है हार्नेस वन। क्या नाम है? हार्नेस वन। क्या नाम है? हार्नेस वन है, जो 1.12 गीगा वॉट पैदा करता है। इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता है 1.12 गीगा वॉट। इसकी क्षमता क्या है? 1.12 गीगा वॉट, ठीक है। कितनी है? डी आई गैस, नो, इट्स द आंसर ए आदित्य। ए का मतलब है ब्रिटेन। क्या है आंसर? ब्रिटेन है। तो जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है मून जे इन, क्या नाम है? मून जे इन, ये 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की मंजूरी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन मैं शायद पढ़ा चुका हूं आपको पहले भी, लेकिन मैं शायद दोबारा आ गया, सॉरी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण हरी ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करने के उद्देश्य से दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट दिया गया है यहां पे, ठीक है। तो रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस द कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड विद एन एम टू प्रोड्यूस एंड स्टोर इनफ ग्रीन एनर्जी? और आप इसको पढ़ चुके, इसका आंसर डेनमार्क। क्या है इसका आंसर? डेनमार्क है, ठीक है। तो डेनमार्क में अगर बात करें तो ऐसा द्वीप बनाया जा रहा है जो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप होगा। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन। क्या है इसकी राजधानी? कोपेनहेगन है। और मुद्रा का नाम है डेनिस क्रोन। क्या नाम है? डेनिस क्रोन कहा जाता है। और प्रधानमंत्री जो कि महिला है उनका नाम है मेटे फ्रेडरिकनेस। क्या नाम है? मेटे फ्रेडरिकसेन, ठीक है, मेटे फ्रेडरिकसेन, ये महिला प्रधानमंत्री हैं। तो फटाफट अगर आप देख पाए होंगे तो आज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 27 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम 28वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व की विकास की अनुमति दी है? फटाफट बता दीजिए, 5वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में खुलने जा रहा है? रिसेंट द यूनियन गवर्नमेंट हैज परमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ 5th टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? और आंसर इन्होंने दिया है आंध्र प्रदेश। नो, इट इज रॉन्ग आंसर, इसको हम संशोधित करेंगे। तो अगर बात करें केरला आंसर होगा या कर्नाटका होगा, तेलंगाना होगा या तमिलनाडु होगा। तो बहुत ज्यादा चर्चा में है ये क्वेश्चन, तमिलनाडु को 5वां, तमिलनाडु में 5th। देखो ऊपर लिखा है, अगर आप देख पा रहे हो चित्र में, तो TN का मतलब तमिलनाडु गेट इट्स 5th टाइगर रिजर्व बिटवीन, क्या लिखा है, मेघामलाई एंड श्री विल्ली पुथुर।
मेघा मलाई और सिल्ली श्री विल्ली पुथुर के बीच में ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। ठीक है ठीक है। तमिलनाडु, आदित्य ने आंसर दिया सी, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था। ओके सी प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है ठीक है ठीक है, देख नहीं पाया मैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पांचवें टाइगर रिजर्व को विकसित करने की अनुमति दे दी है। यह मेघा मलाई और श्री विल्लू पुथुर ग्रिजल्ड स्किल रेल वन्य जीव अभयारण्य में शामिल होगा। ठीक है। और इसके पहले जो चार टाइगर रिजर्व है उनका नाम है अन्ना अन्ना मलाई, कलक्कड़, मुंडन थराय और सत्यमंगलम। ये चार ऑलरेडी है। ठीक है। और तमिलनाडु के बारे में एक रिवीजन क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूं। वो रिवीजन क्वेश्चन ये है कि हाल ही में थिपुसुम महोत्सव आयोजित किया गया या थिपुसुम महोत्सव मनाया गया। थिपुसुम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर है तमिलनाडु। एक्चुअली इसे तमिल और मलयाली दोनों लोग ही मनाते हैं। अगर आप देखो भारत को तो ये भारत ऐसे है, सॉरी भारत कैसा है, भारत को अगर देखो तो आप ऐसे जाता भारत। ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु और यहाँ पे आ जाता है केरला। यह है तमिलनाडु और ये केरला। ठीक है। सो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, यहीं पे आपका वो भी है, एक क्या नाम टाइगर रिजर्व भी है। तो अगर बात करें यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन ने कौन सा त्योहार मनाया है? थिपुसुम 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 महोत्सव। ठीक है ठीक। सो ये तमिलनाडु का मुख्य महोत्सव है। कहाँ का? तमिलनाडु का मुख्य महोत्सव है थिपुसुम। कौन सा? थिपुसुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करेंगे विराम। सो आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए, 28 क्वेश्चन किए और सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम, अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट को सर्च कर लीजिए और वहां से आप क्या करिए, यूआरएल से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। इस यूआरएल को डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है ARS50। मेरा कोड क्या है? ARS50 मेरा कोड है। ठीक है। ARS50 कोड का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा आज की क्लास से। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। यूट्यूब पे आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, टेलीग्राम से जुड़िए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि इससे आपको मिलता है स्पेशल नोटिफिकेशन। और अगर आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने अरविंद सर का कोड ARS50 का यूज करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड नाइट, सब बखैर। थैंक यू आदित्य सर।